यह जरूरी नहीं है जब हमेशा किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम सीधा फंक्शन दिया हुआ हो निकालना हो। मैथमेटिकल प्रॉब्लम में ऐसा सिचुएशन आता है कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो लेकिन एक डिफिनिट कंडीशन पे निकालना हो, वह कंडीशन कम से कम एक हो सकता है, अधिक से अधिक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हो सकता है जब उसमें दो कंडीशन है तीन कंडीशन है। उसके लिए उस टाइप के सिचुएशन में इट मींस यदि आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है अंडर सर्टेन कंडीशंस निकालना है तो उसके लिए एक मेथड हम लोग यूज करते हैं जिस मेथड को लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड बोलते हैं। मतलब इफ वी वांट टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम और एक्सट्रीम वैल्यू अंडर डिफरेंट कंडीशंस then we use Lagrange's multiplier method. अब Lagrange's का multiplier method क्या है आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं Lagrange's multiplier method को for function of three variable, for function of three variable, तीन वेरिएबल वाले फंक्शन में Lagrange's के multiplier method कैसा होता है। To find extreme value to find extreme value of the function f of x, y, z under condition hyphen x, y, z equals 0 and hyphen x, y, z equals 0। मतलब इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है इस दो कंडीशंस के अंतर्गत निकालना है। अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो किसी डिफिनिट कंडीशंस पे निकालना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड को। फिलहाल हम लोग यूज करेंगे लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड को। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। U equal f of x, y, z ये आपका कोई एक फंक्शन है where hyphen x, y, z equals 0 hyphen x, y, z hyphen x, y, z equals 0 ये दो कंडीशंस हैं इसका मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। फ्रॉम फर्स्ट डिफरेंशिएट du इक्वल डेल एफ बाई डेल एक्स dx डेल एफ बाई डेल वाई dy डेल एफ बाई डेल जेड dz टोटल डिफरेंशिएशन से इसको डिफरेंशिएट कर दिया। फ्रॉम सेकेंड डिफरेंशिएट डेल हाइफन बाय डेल एक्स डीएक्स डेल हाइफन डेल वाई डीवाई डेल हाइफन डेल जेड dz equals 0 from third del phi 2 del x dx del phi 2 del y dy del phi 2 del z dz equals 0। मतलब इस तीनों को डिफरेंशिएट कर दिए टोटल डिफरेंशिएशन वाले मेथड से। मैक्सिमम मिनिमम के लिए होना क्या चाहिए डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए
और मैक्सिमा मिनिमा, और मैक्सिमा मिनिमा, और मैक्सिमम और मिनिमा डीएफ इक्वल्स जीरो होना चाहिए मिनिमा ऑफ यू डीयू इक्वल जीरो। डीयू इक्वल जीरो का मतलब हो गया इसको आप जीरो के बराबर कीजिए, डीयू इक्वल जीरो, डी हाइवन इक्वल जीरो, डी हाइटू इक्वल जीरो। डीयू इक्वल जीरो का मतलब हो गया दैट इज डेल एफ बाय डेल एक्स डी एक्स डेल एफ बाय डेल वाई डी वाई डेल एफ बाय डेल जेड डी जेड इक्वल जीरो। इक्वेशन नंबर फोर, अगेन सेकेंड वाले से डेल फाई वन बाय डेल एक्स डी एक्स डेल फाई वन बाय डेल वाई डी वाई डेल फाई वन बाय डेल जेड डी जेड इक्वल्स जीरो। इक्वेशन नंबर फाइव, एंड डेल फाई टू बाय डेल एक्स डी एक्स डेल फाई टू बाय डेल वाई डी वाई डेल फाई टू बाय डेल जेड डी जेड इक्वल्स जीरो। इक्वेशन नंबर सिक्स, मतलब ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा चाहिए इस दो कंडीशंस पे चाहिए। पहले इस तीनों को फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को डिफरेंशिएट कर दिया टोटल डिफरेंशिएशन वाले लॉजिक से, डी यू निकाल दिया, डी फाइव निकाल दिया और डी फाइव टू निकाल दिया। मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर किया। नाउ अब यहीं पे नाउ मल्टीप्लाई, नाउ मल्टीप्लाई फोर बाय वन फाइव बाय लेमडा वन एंड सिक्स बाय लेमडा टू एंड एडिंग टेन एंड एडिंग टेन। इसी लेमडा वन एंड लेमडा टू को अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर बोलते हैं, लैग्रेंज का अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर बोलते हैं। फिर भी आगे हम लोग इस बात को कंटिन्यू करते हैं, मतलब लैग्रेंज का मल्टीप्लायर मेथड क्या है। यदि आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है किसी भी फंक्शन का, किसी डिफरेंट कंडीशन से निकालना है, आप क्या करो, सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, उस कंडीशन को भी डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर करो, डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर करो, देन फंक्शन वाले को वन से, पहला कंडीशन वाले डिफरेंशिएशन को लेमडा वन से, दूसरा को लेमडा टू से, अगर और अधिक कंडीशन रहेगा तो लेमडा थ्री से, और कंडीशन रहेगा तो लेमडा फोर से मल्टीप्लाई करो एंड सबको आपस में एड करो। वहां पे लेमडा वन लेमडा टू लैग्रेंज का अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है। आगे इसको भी सिंपलीफाई करते हैं, देखते हैं आगे और क्या होगा। उसको हम लोग जोड़ते हैं, जब आप जोड़ोगे तीनों में से डीएक्स वाले को भी सीएन को एक साथ में रखते हैं, डीवाई वाले को एक साथ में, डीजेड वाले को एक साथ में, वी गेट डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस लैम्डा वन डेल फाई वन बाय डेल एक्स प्लस लैम्डा टू डेल फाई टू बाय डेल एक्स होल बार में डी एक्स। सेम लॉजिक से वाई वाले टर्म डेल एफ बाय डेल वाई
लैम्डा 1 डेल फाई 1 बाय डेल y लैम्डा 2 डेल फाई 2 बाय डेल y dy प्लस डेल m बाय डेल z लैम्डा 1 डेल फाई 1 बाय डेल z लैम्डा 2 डेल फाई 2 बाय डेल z dz इक्वल्स 0। ये आपका एक्सप्रेशन बन रहा है ऐड करने के बाद में इक्वेशन नंबर 7। देन फिर आप इसमें से किसी भी दो के कोएफिशिएंट को 0 के बराबर करो, पुट एनी टू कोएफिशिएंट of dx, dy and dz to 0, to 0। जब ये आप इसको 0 के बराबर करोगे then solve करेंगे, then solve। जब आप इसको सॉल्व करोगे आप कैलकुलेट कर सकते हो वी गेट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। मतलब ये कह रहे हैं दैट इज डेल एफ बाय डेल एक्स लैम्डा 1 डेल फाई 1 बाय डेल एक्स लैम्डा 2 डेल फाई 2 बाय डेल एक्स इक्वल्स 0 को इक्वेशन नंबर 8। डेल एफ बाय डेल वाई लैम्डा 1 डेल फाई 1 बाय डेल वाई लैम्डा 2 डेल फाई 2 बाय डेल वाई इक्वल्स 0 डेल एफ बाय डेल जेड लैम्डा 1 डेल फाई 1 बाय डेल जेड लैम्डा 2 डेल फाई 2 बाय डेल जेड इक्वल्स 0 इक्वेशन नंबर 10। इस 19 इस 8 9 और 10 के मदद से अगर आप इसमें से कोई भी दो को 0 के बराबर इसमें डाल दोगे तो थर्ड तो अपने आप 0 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास में नाउ या 10 वी हैव हाई इक्वेशन टू इक्वेशन नंबर 2 थर्ड 8 9 and 10 from which we get value of lambda 1 lambda 2 and x comma y comma z for which we can get extreme value। मतलब लॉजिक क्या कह रहा है, सबसे पहले कोई भी अगर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है कोई भी और आपको लैग्रांजेज के अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर मेथड से मैक्सिमा मिनिमा निकालना है
तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले लैग्रांजियन मेथड को हम लोग यूज कब करते हैं, जबकि मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो, अंडर सर्टेन कंडीशन निकालना हो, सिर्फ फंक्शन नहीं किया हुआ, फंक्शन के अलावे कम से कम एक कंडीशन, अधिक से अधिक जितना कंडीशन निकाल दिया हुआ हो, वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम पे। निकालोगे कैसे? सबसे पहले दिए हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे टोटल डिफरेंशिएशन से, जो भी कंडीशन दिया हुआ रहेगा उसको भी डिफरेंशिएट कर दो। मैक्सिमा मिनिमा के लिए सारे डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर करोगे, फंक्शन वाले डिफरेंशिएशन को वन से, मतलब जीरो के बराबर करने के बाद जो इक्वेशन बना उसको वन से, कंडीशन वाले पहले कंडीशन वाले को लेमडा वन से, दूसरे वाले को लेमडा टू से, तीसरे वाले को लेमडा थ्री से, सो ऑन प्रोसेस टू बी कंटिन्यू, मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ दो। उसमें वन बाई वन डी एक्स डी वाई इस सबके कोफिशिएंट को जीरो के बराबर करोगे तो ऐसा कुछ कंडीशन बनेगा। ये सारा का सारा कंडीशन और दोनों कंडीशन उसके सपोर्ट से लेमडा वन लेमडा टू एक्स वाई जेड इसका वैल्यू निकाल दोगे, जो भी एक्स वाई जेड का वैल्यूज निकलेगा उस वैल्यूज को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो जो रिजल्ट बनेगा वही रिजल्ट तुम्हारा एक्सट्रीम वैल्यू बनेगा। मेथड का सबसे बड़ा डिमेरिट यह है, यह ये नहीं बता पाता है कि फंक्शन का जो वैल्यू मिला वो मैक्सिमम मिला कि मिनिमम मिला। सीधा यह कहता है कि एक्सट्रीम वैल्यू है, और मैक्सिमम है कि मिनिमम है इसके लिए तो आपको फिर से RT-S² से ही जाके चेक करना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग तीन वेरिएबल में डिस्कस किए, क्या किए, एक कोई फंक्शन था u बराबर फंक्शन माने अपॉन x y z, कंडीशंस दिया हुआ था I1 xyz = 0, I2 xyz = 0, du निकाले, I1 का डिफरेंशिएशन निकाले, I2 का डिफरेंशिएशन निकाले, इट मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड माने थे फंक्शन को एंड दोनों कंडीशंस को। मैक्सिमम मिनिमम के लिए सारे डिफरेंशिएशंस को जीरो के बराबर किए, उसका नाम दिए 4, 5 और 6। देन फिर इक्वेशन नंबर 4 को 1 से, 5 को लैम्डा 1 से, 6 को लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई किए एंड आपस में ऐड किए। वहीं पे जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 हुआ, वहीं पे जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 हुआ वही तुम्हारा लैग्रांजेज का अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर कहलाता है, जो भी तुम लैम्डा 1 लैम्डा 2 यूज किए। देन फिर जब ये ऐड किए तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिला, dx वाले एक साथ में रखे, dy वाले एक साथ में, dz वाले एक साथ में, इसमें से किसी दो को जीरो के बराबर करो तो तीसरा तो अपने जीरो हो जाएगा। मान लो ये और ये जीरो के बराबर है तो ये तो अपने जीरो हो जाएगा, तो उसको जीरो करके तीन रिलेशन यहाँ पे फॉर्म करवाए एंड दो रिलेशन तुम्हारा दिया हुआ कंडीशन था उसको ऑफ किए। पांच कंडीशन है, पांच वेरिएबल का वैल्यू भी निकालना है, किसका किसका, एक्स वाई जेड का, लेमडा वन लेमडा टू का। जब ये एक्स वाई जेड का हमने निकाल दोगे पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट को फंक्शन में डाल दोगे तो जो भी वैल्यू तुम्हारा बनेगा वह तुम्हारे फंक्शन का एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगा। देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x² + y² + z² हैविंग गिवन ax + by + cz = p। मतलब मिनिमम वैल्यू निकालना है एक फंक्शन का और वो कंडीशन दिया हुआ है ax + by + cz = p का। यहाँ पे इसका हम लोग करते हैं सॉल्यूशन, वेयर u = x² + y² + z², ये आपका दिया हुआ हुआ एंड कंडीशन दिया हुआ है एंड ax + by + cz = p। सबसे पहले इस दोनों को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट du = 2
2x dx, 2y dy, 2z dz, from second a dx b dy c dz equals 0. For maxima minima, for maxima or minima, differentiation 0 के बराबर होना चाहिए और maxima and minima differentiation 0 के बराबर होना चाहिए. Maxima or minima du equals 0 and d of phi 1 differentiation of equation second equal to 0, that is 2x dx, 2y dy, 2z dz equals 0, that is x dx, y dy, z dz equals 0, coefficient number 3, and a dx, b dy, c dz equals 0. इसमें 1 से और इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो. नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन हॉट बाय 1 and 4 by lambda, adding them, multiply करो and उसको जोड़ो, we get, जब आप यह करो करेंगे, आपको मिलेगा, we get, इसमें 1 से और इसमें lambda से, x plus a lambda dx, y plus b lambda 1 into dy, plus z c lambda dz equals 0. अब इसके दो coefficient को 0 के बराबर करते हो, put any two coefficient of dx, dy, dz equals 0, we get x plus a lambda equals 0, coefficient number 5, y plus b lambda equals 0, 6, z plus c lambda equals 0, coefficient number 7, from 5, x ka maan nikalo, from 5, x equal minus a lambda, from 6, y equal minus b lambda, from 7, z equals minus c lambda. इस सारे नोल को लाके equation number second number put करो, put this value in equation second, a into minus a lambda, b into minus b lambda plus c into minus c lambda equals b. इससे मतलब निकलता है lambda को काउंट कर लो, minus lambda आ जाएगा तो
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू लैम्डा इक्वल्स पी, लैम्डा इक्वल माइनस पी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लैम्डा के इस वैल्यू को यहां पे एक्स वाई और जेड के बदला में डाल दो, रूट वैल्यू ऑफ लैम्डा एक्स इक्वल माइनस 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 प्लस ए पी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वाई इक्वल पी पी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जेड इक्वल सी पी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको ये तीनों पॉइंट मिल गया है, इस एक्स वाई जेड के वैल्यू को यू में डाल दो, जो भी मिलेगा वही मिनिमम वैल्यूज होगा। मतलब लॉजिक क्या बन रहा है, यह प्रॉब्लम है इसका मिनिमम निकालना है, इस कंडीशन पे निकालना है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए, दोनों डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर किया कुछ ऐसा, फंक्शन के डिफरेंशिएशन को वन से, कंडीशंस के डिफरेंशिएशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। dx वाला एक साथ में रखा, dy वाला एक साथ में रखा, dz वाला एक साथ में रखा। इसमें से किसी भी दो के कोफिशिएंट को, या तो dx dy को, या तो dx dz को, या तो dy dz को, किसी भी दो के कोफिशिएंट को जीरो के बराबर करोगे तो तीसरा तो खुद ही जीरो हो, किसी भी दो के कोफिशिएंट को जीरो के बराबर करोगे तो तीसरा तो इटसेल्फ जीरो के बराबर हो जाएगा। तो आप सिंपल लॉजिक समझ लो कि dx dy dz के कोफिशिएंट्स को जीरो के बराबर कर देना है। अब यहां से टारगेट है, तीन इक्वेशंस को ये हुआ एंड एक जो तुम्हारा कंडीशन है इक्वेशन नंबर टू, इस चारों इक्वेशंस के मदद से x y z एंड लैम्डा चाहिए। जब x y z का वैल्यू मिल जाएगा उस वैल्यूज को दिए हुए फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मैक्सिमा या मिनिमा जो भी रहेगा वह मिल जाएगा। अब मिनिमम ही वैल्यू है वह, उसको तो फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर से चेक करना पड़ेगा। फिलहाल हम मिनिमम वैल्यू निकाल देते हैं और फिर उसको चेक करके दिखाते हैं जो वह मिनिमम ही कैसे था। पुट करते हैं पुट वैल्यू ऑफ, पुट वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट यू इक्वल एक्स स्क्वायर था ए पी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर y स्क्वायर था बी पी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर, z स्क्वायर था सी पी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर। सब में से सी स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए, u इक्वल नीचे से कॉमन कर दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन, ऊपर से बी स्क्वायर कॉमन, यहां से बच जाएगा ए स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर और वहां से सी स्क्वायर, एक को कटवा दो यू इक्वल बी स्क्वायर वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये एक्सट्रीम वैल्यू हुआ, इट इज एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ यू। यहां पे आप कह सकते हो जैसे वो मान मिला तो प्रॉब्लम क्या रहा था मिनिमम निकालने के लिए, तो ये वैल्यू मिनिमम ही रहा हो, बट अगर इसको टेस्ट करोगे फिर से आर टी माइनस एस स्क्वायर से ही जाना पड़ेगा।
तो फिलहाल हम आगे इसको टेस्ट करते हैं, तो ये डेफिनेटली मिनिमम ही है क्या? नाउ वी डिटरमाइन, वी डिटरमाइन द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू। अब हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ यू। आपको दिया हुआ है सिंस ए एक्स प्लस बी वाई सी जेड इक्वल्स पी, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए प्लस सी डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल्स जीरो, डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल माइनस ए बाई सी। सेम लॉजिक पे डेल जेड बाई डेल वाई भी निकाल के रख लो, उसका जरूरत पड़ेगा। तो डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल सिमिलरली माइनस बी बाई सी, डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई निकाल दिए। अब जो दिया हुआ प्रॉब्लम है उसको चेक करते हैं। U इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देयरफॉर डेल यू बाय डेल एक्स टू एक्स प्लस टू जेड डेल जेड बाय डेल एक्स। डेल जेड बाय डेल एक्स का वैल्यू यहां से पुट कर लो, माइनस ए वाई सी, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स टू जेड माइनस ए वाई सी, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर भी निकाल लो, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर यही तुम्हारा आर हो जाएगा, टू प्लस टू प्लस टू डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस ए वाई सी, डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू डाल दो, आर इक्वल टू प्लस टू ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये आर हो गया। फिर टी निकाल लो, डेल यू बाई डेल वाई टू वाई टू जेड डेल जेड बाई डेल वाई डेल जेड बाई डेल वाई डेल जेड बाई डेल वाई यहां से माइनस बी वाई सी है, डेल यू बाई डेल वाई टू वाई टू जेड माइनस बी वाई सी, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर टू प्लस टू डेल जेड बाई डेल वाई माइनस बी वाई सी, अगेन डेल जेड बाई डेल वाई का वैल्यू डाल दो, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर टू प्लस टू माइनस बी बाई सी माइनस बी बाई सी, टी हो गया टू प्लस टू बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एस निकाल लो, इसको वाई इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एस इक्वल ये जीरो प्लस टू डेल जेड बाई डेल वाई माइनस ए वाई सी, एस इक्वल टू डेल जेड बाई डेल वाई का वैल्यू माइनस बी वाई सी माइनस ए वाई सी, एस इक्वल फोर ए बी बाई सी स्क्वायर। नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर भी है तुम्हारे पास में, ई भी है तुम्हारे पास में, एस भी है, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर जीरो, आर भी ग्रेटर जीरो, देयरफॉर यू हैज
मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, यह यू का मिनिमम वैल्यू था। मतलब लैग्रांजियन मेथड यह नहीं बताता है जो वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, वह सिर्फ इतना बताता है जो वैल्यू एक्सट्रीम है। अगर आपको मिनिमम, वैसे इस प्रॉब्लम में तो क्वेश्चन ही कह रहा था फाइंड मिनिमम वैल्यू, एक एक वैल्यू निकला, जब गूगल निकलता तब हम कंफ्यूज होते तो कहां पे मैक्सिमम कहां पे मिनिमम। तो इस प्रॉब्लम के लिए नहीं दिक्कत है, दिक्कत यह है अगर आप यह देखना चाहोगे कि किस प्रॉब्लम में लैग्रांजियन मैक्सिमम दिया है तो किस में मिनिमम दिया है, तो देन फिर आपका जो बेसिक टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। ये क्या, सबसे पहले कंडीशंस को डिफरेंशिएट कर दिए x के लिए पार्शियली, y के लिए पार्शियली, डेल z बाय डेल x, डेल z बाय डेल y निकाल दिए। अब ये हुए प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट किए पार्शियली, du बाय dx, du बाय dy, du बाय dx में डेल z बाय डेल x का जरूरत पड़ा तो डेल z बाय डेल x यहां हम निकाल के रखे हुए थे उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, अगेन डिफरेंशिएट कर दिए r निकालने के लिए, अगेन डिफरेंशिएट किया, फिर से डेल z बाय डेल x का जरूरत पड़ा, डेल z बाय डेल x का अगेन वैल्यू डाला। ये देखो ये आया 2 plus 2 a square by c square, इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यह ग्रेटर 0 है। फिर डेल u बाय डेल y निकाले, डेल z बाय डेल y वैल्यू उसमें से डाल दिए, अगेन डिफरेंशिएट किए, यह भी ऑलवेज पॉजिटिव, r निकल गया, t निकल गया। अब कैसे निकालने के लिए, या तो इसको y के लिए डिफरेंशिएट करो, नहीं तो इसको x के लिए, दोनों से ये बात आएगा। हम फिलहाल इसको डिफरेंशिएट कर दिए y के लिए, कैसे निकाल दिए, rt minus s square को देखो, rt minus s square डेफिनेटली इससे बड़ा ही वैल्यूज आएगा, rt minus s square ग्रेटर 0 है, ग्रेटर 0 है, तब तो यू के पास में जो भी वैल्यू था वह मिनिमम वैल्यू था यू का। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं।